मित्रों पहुंच गए हिमाचल प्रदेश। स्टार्ट हो गई है वादिया, शुरू हो गए पहाड़। चमक आ गई है मेरे दोनों भाइयों के चेहरों पे, देख लो किधर गया। ग्लो आ गया भाई, गया ना। और अब गाड़ी को आ रहा है थोड़ा थोड़ा जोर आ रहा है, पहली बार पहाड़ों पे आई है ये। सबसे ज्यादा बच के दिन ट्रक वालों से रहना पड़ेगा भाई, बैग भी आ सकते हैं सड़क। और ये रहा हिमाचल का पहला टोल टैक्स। छोटा सा पत्थर लग गया। तो भाई अभी रुके हम बिलासपुर में कुछ खाने पीने के लिए। कल शाम को ड्राइव कर रहा हूँ, सारी रात ड्राइव की, और अभी बच के 8, तो कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं मनाली के लिए। आगे बने रहे हमारे साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, बस बहुत है। कमेंट करना ना भूले। हमने नजर आने लगे हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़, ती रोडों पे बिखरी हुई है। मदन कमल आनंद ले रहे हैं, मैं आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। जजारे आ रहे हैं, जजारे जजारे, हरे भरे पहाड़, बाइक की राइड सामने जा रही है वैसे लद के। अपना मदन भाई ले रहा है वीडियो, कैप्चर कर रहा है। किसी ने वाइट भैंस नहीं देखी हो तो आज देख लो। और वो रहा सामने बर्फ वाले पहाड़, वहाँ से स्टार्ट हो गए, यहीं से नज़र आ रहे हैं। नज़ारों के लिए तो आते हैं लोग यहाँ पे। और हमारे भाई साहब सो रहे हैं पीछे, क्या हो गया? छोड़ो इसकी बातों पे ध्यान मत दो, कर ले उल्टी मुंह बाहर निकाल के। आजी मौसम हो रहा है सुहाना, सेक्सी जगह ही सेक्सी है यार। कैसी लगी मेरे भाइयों? कोई सुने कैसी लगी? सेक्सी। तू सो ले ना यार, मतलब तो सो बस को दब गई हो ना भाई। मेरे को देखो, मैं रात से गाड़ी चला रहा हूँ। कैसे सोएगा तू? ये देख ले भाई, ड्राइवर बना रहे हो फ्री में, घुमा रहे हो है ना मेरे को। वो तो फिर आ गए ना हिसाब किताब की बात चलते ही। तो अपना कुल्लू रह गया सिर्फ, अब 8, मनाली रह गया 48, और बीच में कुछ लिखा था वो पढ़ा नहीं। और जल्दी से हम पहाड़ों को चीरते हुए बर्फ में पहुंचने वाले हैं। पहाड़ों को चीरते हुए वारे आयरन मैन, मक्खी मरे नहीं तेरे से। पकड़ लेता हूँ शक्तिमान बन। और देख ये ताऊ कैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ताऊ, जीब्रा क्रॉसिंग का यूज लिया करो। पर जो मौसम है ना बहुत सेक्सी है, तुम्हें ऊपर से दिखाता हूँ सबको, फोन ना चले जाए मेरा। कैसा लगा ऊपर का नजारा? आई मीन जजारा। यहाँ पे यार मैं अपनी थार को मिस कर रहा हूँ, पर ये बेबी भी बहुत को राइड करके बिल्कुल, मतलब यूँ है ना कि थकान नहीं होती। थार मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है, ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने में। यार क्या प्यारा मौसम है यार ना। ओए आगे मत जा, आगे मत जा, अरे आगे मत जा। चलो भाई आराम से आना, तेरे पापा को जवाब नहीं दिया जाएगा मेरे से। तू कैसे गिरा और क्या हुआ तेरे साथ में भाई? ठीक है उधर चल ले, एक काम कर, ओए बाद में बनाना वीडियोस का, हाथ पकड़ उधर लेके चल। तो पहुंच गए हम मनाली। एक सो रहा है, एक फोन पे बात कर रहा है, कोई प्लान नहीं इन लोगों का। वैसे तो रात को ज्यादा बेटर व्यू आता है यहाँ का, व्यू तो क्या आता है, मतलब क्राउड सही रहता है, गैदरिंग सही रहती है। तो ये है माल रोड मनाली की, दिन में कुछ ऐसी दिखती है,
कुत्ते देखो यार आंखें कितने प्यारे हैं, हेवी हेवी से बहुत प्यारे हैं भाई। तो हमेशा की तरह बस ड्राइव करने में ही निकल गया पूरा सफ़र हमारा, कहीं अब घूमे नहीं, कुछ देखे नहीं। कल शाम से निकले हुए, अभी तक नहाए भी नहीं। अब होटल लेंगे जाके, वो फिर नहाएंगे। फिर माल रोड हम घूम रहे हैं, तगड़े तरीके से पेट पूजा चल रही है। ये ढीले ढीले बच्चे दोनों मेरे साथ में हैं, खो ना जाए इसलिए मैं इनको साथ में रखता हूँ। तू खो ना जाए इसलिए तेरे को साथ में रखते हैं। इनके पापा मम्मी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। ये लाचार विचार, ये मोटा सा दुनिया में तू कहीं खो ना जाए इसलिए हम समझदार साथ हो गया था बिल्कुल। प्यारी प्यारी भाई, पर्सनल कमेंट मत किया कर। देखे था गली हो गया तू, गली चेंज कर लिया तूने। तो ठीक है, अपन यहाँ घूमने आए तो घूमेंगे ऑफ कोर्स। मेरे को लगता है उस साइड जाना चाहिए। तो अभी हम पहले जाके होटल लेंगे और ये जो भी हुलिया है उसको सही करेंगे, देन वापस शाम को आते हैं यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई रहे? मेरे को भी बता दिया करो कहाँ जा रहे हैं। सोलंग। अच्छा सोलंग जा रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है, पहले यहीं पे मनाली पे रुकने का प्लान बन रहा था, अब भाई को कैंपिंग करनी है तो हम जा रहे हैं सोलंग। वहाँ पे भी नहीं बैठा तो उससे भी आगे जा सकते हैं, रोहतांग पास से भी आगे जा सकते हैं। जाम नीचे से तकरीबन 15-20 किलोमीटर से यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। 20 किलोमीटर से भी लंबा जाम था ये, और अभी तो गाड़ी आ रही है एक के पीछे एक जुड़ती जा रही है। तो हमारा मनाली का कैंसिल हो गया, अब हम जा रहे हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास से भी आगे जा रहे हैं, वहीं पे स्टे करेंगे। कर्व अहेड। खूबसूरती देखो जरा यार। पहुंच गए अटल टनल रोहतांग। भीड़ यहाँ पे बहुत तगड़ी है भाई, पीछे वाले सोने के नाम पे बोल रहे हैं, सो ही रहे हैं। नहीं नहीं सोया नहीं भाई, और कह रहे हैं वीडियो बना लेना। वो क्या बोलता है तू, जजारे। ये भाई ने उंगली खड़ी कर दी है आगे मत आ जाना। तो अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे पास कटेगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं। तो कमल भाई गए हैं पास कटवाने के लिए, कटवा के आ रहे हैं कमल भाई। अब सिसु में स्टे करेंगे क्योंकि भाई मेरी भी उसकी बात नहीं है।
जागने की नींद आ रही है। ये है जजारे भाई, ये है जजारे, साइड में नदी, उसके पास में रास्ता, ये छोटा सा वाटरफॉल है। लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं रुक रुक के। तुम्हें खिंचवानी है, इनको पहले नहा दो के आना है। खिंचवा लो यार, मैं तो सोऊंगा वैसे भी जाके। यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं काम चल रहा है, और उसके चक्कर में पहले एक साइड के पूरे जाते हैं फिर एक दूसरी साइड के जाएंगे, तब तक पीछे बहुत जाम लग चुका होता है। अब लास्ट वो गाड़ी आ रही है, उसके बाद में अपना निकलना होगा। तो ये है कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है शाम के 6 बजे सीसु के अंदर, और हम जा रहे हैं वहाँ पे नीचे फोटोज़ क्लिक करने के लिए, व्यू को एंजॉय करने के लिए। काफ़ी बर्फ़ तो नहीं है यहाँ पर ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा लाइफ में जिस स्पेस की ज़रूरत थी वो मिल रहा है, सुकून मिल रहा है भाई। सूरज की रोशनी 6 बजे इतनी हो रही है ना यहाँ पे, मतलब शाम के 6 बज रहे हैं अभी, तुम मान नहीं सकोगे कोई भी कि 6 बज इतनी रोशनी हो सकती है। हम चमक रहे हैं भाई, ये देखो पेड़ों के बीच में बहुत ही प्यारा व्यू है, इधर से सनलाइट आ रही है, इधर से सही आई। किस चीज़ की चेतावनी है? फोटो शूट हमारा हो गया है, इनकी फोटो ले लेके मैं तंग आ गया हूँ भाई यार, और फोटो नहीं लेनी मेरे को।